जुबा आपकी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का जो आ रही है जोशीमठ से। जोशीमठ में बद्रीनाथ की यात्रा को शुरू करने का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब यात्रा शुरू करना जल्दबाजी होगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर इससे पर्यटन व्यवसायियों को फायदा होगा तो प्रशासन की तरफ से धाम में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। 8 जून से ये यात्रा शुरू हो सकती है, प्रशासन तैयारियां कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी फिलहाल कोरोना काल में इस यात्रा को शुरू नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एक धड़ा है जो मान रहा है कि पर्यटन जो है जिसका कार्य नहीं हो पा रहा, व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि ये यात्रा शुरू हो जाए। और प्रशासन भी जुटा हुआ है इसके इंतज़ाम में, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है हर तरफ, लेकिन स्थानीय लोगों की तरफ से इसका विरोध देखा जा रहा है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता रेमो पान मसाला, स्वाद जिंदगी का। से प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 एचडी सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। किसान ग्रीन पैराडाइज लखनऊ, अनलॉक ऑफर मात्र 451 रुपए पर स्क्वायर फीट। बुक करें और साथ ही पाएं निश्चित उपहार। सीएम योगी ने पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफर किए ऑनलाइन पेंशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद। स्वास्थ्य विभाग को सीएम ने दिया अपना सरकारी प्लेन। गोवा से जरूरी मशीनें मंगाने के लिए सौंपा स्टेट प्लेन, वक्त की बचत को लेकर फैसला। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण, आज 60 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 1145। लखनऊ में पब्लिक का फैसला ऑन द स्पॉट, पीजीआई इलाके में 3 चोरों का सर मुंडवाकर पहनाई जूतों की माला, पुलिस जुलूस निकालने वालों पर करेगी कार्रवाई। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोरोना पर यूपी सरकार की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हेल्थ अपडेट्स इस वक्त यूपी से दिए जा रहे हैं। जिसको भी वो सिम्टोमेटिक पा रही हैं उनका सैंपल लेकर के उसकी जांच की जा रही है। अब तक जो प्रवासी लौटे हैं प्रदेश में जिनकी जाँच की गई है उनकी संख्या है 80,960 माइग्रेंट्स की के सैंपल लेकर के उनकी जांच अभी तक की जा चुकी है और उसमें से 2,583 पॉजिटिव आए हैं। इस प्रकार जो प्रदेश का जो कुल संक्रमण की संख्या है उसके लगभग 28% कंट्रीब्यूशन जो हमारे यहाँ बाहर से प्रवासी आए हैं, प्रवासी कामगार, उनका है। सर्वेलेंस की एक्टिविटी हमारी लगातार चल रही है। अब तक 14,530 एरियाज का सर्वेलेंस किया गया जिसमें 4,104 हॉटस्पॉट और 10,426 नॉन हॉटस्पॉट एरियाज का सर्वेलेंस हुआ है। 104,613 टीम दिवस के माध्यम से 80,98,156 हाउस होल्ड का सर्वेलेंस किया गया जिसमें 4,11,54,760 लोग हैं। आपके माध्यम से हम ये बार बार लोगों को बता रहे हैं कि हमें अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो अर्थात जिनको कोमॉर्बिड लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी है, और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें बचाना है, उन्हें संक्रमण से हमें हर हालत में दूर रखना है। जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मृत्यु हुई है प्रदेश में पूरे कोरोना वायरस संक्रमण से, इसमें से जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किडनी की बीमारी या लीवर की बीमारी,
जिनको पहले से कोई बीमारी थी उनका प्रतिशत 83% है, 83%। तो जो लोग कोमॉर्बिडिटी वाले होते हैं उनमें संक्रमण आने पर जटिलता होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो जो 60 साल से अधिक के लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनका अगर हम इन्फेक्शन में उनका ओवरऑल परसेंटेज देखें कि जो पूरा संक्रमण हुआ उसमें उनका प्रतिशत क्या है, तो उनका प्रतिशत 6% के करीब है पूरे संक्रमण में, संक्रमित लोगों में से। लेकिन अगर हम केवल मृत्यु को देखें तो 32.5% मृत्यु में जो कंट्रीब्यूशन है वो 60 साल से ऊपर के लोगों का है, यानी केवल 6% संक्रमण में लेकिन मृत्यु में 32.5%। तो जो लोग बुजुर्ग हैं उनमें जटिलता आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जो कोमॉर्बिड हैं उनमें जटिलता आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये भी हमने देखा है कि जो 51 से 60 वाला एज ग्रुप है इनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। जो 51 से 60 वाला एज ग्रुप है इसका जो कुल संक्रमण में हिस्सा है वो 8.8% है, लेकिन जो मृत्यु हुई है मृत्यु में इनका हिस्सा कुल 31.5% है, 31.5%। तो 51 से 60 वाले जो एज ग्रुप है उनको भी सावधान सतर्क रहना चाहिए। इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप सावधान रहेंगे सतर्क रहेंगे तो अपना बचाव आप कर सकते हैं। इस संक्रमण का वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई बिल्कुल ऑथेंटिक दवा नहीं है जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसलिए अभी सतर्क रह के सावधान रह कर हमें अपना बचाव करना है, यही सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहिए। आप जब भी सार्वजनिक स्थल में जाएं तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए, चाहे आप फेस कवर से, मास्क से ढकें, चाहे आप रुमाल से ढकें, चाहे दुपट्टे से ढकें, चाहे गमछे से ढकें, लेकिन मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढकिए। और जब भी कहीं सार्वजनिक स्थल में जाएं या अपने घर में भी, तो 2 गज की दूरी बनाकर रखिए लोगों से। 2 गज की दूरी बचाव के लिए ज़रूरी, अगर आप 2 गज की दूरी रखेंगे तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। मुंह और नाक को ढकिए। और इसके अलावे आपका शरीर अगर संक्रमण आपको अगर अटैक भी करता है, आप संक्रमित भी होते हैं, तो आपका शरीर जो है इस संक्रमण से लड़ सके इसके लिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और प्रतिरोधक क्षमता आप बढ़ा सकते हैं तुलसी अदरक काली मिर्च का काढ़ा पी करके, आप बढ़ा सकते हैं गिलोय का रस पी करके, आप बढ़ा सकते हैं अजवाइन का अर्क पी के, आप नीम की पत्ती का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें, योग करिए, प्राणायाम करिए। इससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे अगर आप संक्रमित भी होते हैं तो आपका शरीर उससे संक्रमण को लड़ सकेगा और आपका बचाव कर सकेगा। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपको होम क्वारंटाइन में जाने के लिए कहा गया है, होम क्वारंटाइन का पालन करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, खुद को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। अगर हम सभी लोग मिलकर के संक्रमण से अपना बचाव करेंगे तो हम एक दूसरे को भी बचाएंगे और खुद को भी बचाएंगे, और संक्रमण की जो श्रृंखला है उसको भी हम तोड़ेंगे। हम सभी लोग मिलकर के, समाज के सभी लोग, सरकार और समाज के सभी लोग मिलकर के हम इस श्रृंखला को तोड़ने में कामयाब होंगे। हमें सावधान रहकर यह कार्य करना है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम लेवल की बैठक की और सर्वप्रथम 8 जून से जो अनलॉक 1 के अंतर्गत विभिन्न निर्णय लिए जाने हैं उस पर आज ही चर्चा उन्होंने की कि किस रूप में छूट यदि दी जाती है तो ऐसी स्थिति में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होगा, कैसे किसी भी संक्रमण से बचा जा सकेगा, इसका अध्ययन कर लिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि अनलॉक 1 के व्यवस्था के अनुरूप 8 जून से जो धार्मिक स्थल, जो मॉल्स
और जो रेस्टोरेंट और होटल्स के खुलने का भारत सरकार की गाइडलाइंस का अभी इंतज़ार किया जा रहा है, उन गाइडलाइंस के आते ही इनका प्रॉपर अध्ययन करें जिससे कि एक व्यवस्था बनाई जा सके। मुख्यमंत्री जी ने आज चूँकि अनलॉक वन के बाद बाज़ारों में लोग आए हैं, खरीदारी बढ़ी है और हर तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ी है, तो पुलिस की पेट्रोलिंग के लिए भी विशेष रूप से उन्होंने निर्देश देने को दिया है। एक घटना अलीगढ़ में हुई थी जहां LIC के कुछ लोग लूटकर धनराशि ले गए थे, उसका खुलासा दो दिन के अंदर 48 घंटे में 4-5 जो भी अपराधी थे उनको पकड़ते हुए जो धनराशि थी वो भी 13-14 लाख धनराशि भी जो है वसूल कर ली गई। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जहां भी भीड़भाड़ के बाजार हैं वहां पुलिस पेट्रोलिंग ऐसी हो कि कोई भी किसी तरह की घटना ना हो और जीरो टॉलरेंस हो, यानी कहीं भी छोटी मोटी भी कोई लूट की घटना ना हो। पुलिस पेट्रोलिंग में सोशल डिस्टेंसिंग भी इंश्योर किया जाए, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और जहां भी लोग अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो चालान जरूर करें लेकिन उसके साथ साथ मास्क भी दें। कई जनपदों में अब ये व्यवस्था है कि जहां मास्क के लिए चालान हो रहा है वहां साथ में मास्क भी, 2 मास्क 10 रुपये के लिए दिए जा रहे हैं। PRV 112 को भी पहले से एक्टिवेट किया हुआ है, उसको भी विशेष सतर्कता रखने के लिए और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, बैंकों के सामने, बड़ी दुकानों के सामने और सेंसिटिव एरियाज के लिए पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर और कम्युनिटी किचन को और मजबूती से निरीक्षण करने का आज मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। सभी 75 जनपद के सभी क्वारंटाइन सेंटर जो निरीक्षित किए जा रहे हैं विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा, उनकी रिपोर्ट भी, एक एक की रिपोर्ट भी देखी जा रही है। सभी विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को कहा गया है कि वो हर हालत में निरीक्षण प्रॉपरली करें और एक प्रॉपर इंस्पेक्शन रिपोर्ट दें। कामगारों और श्रमिकों को 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता अवश्य मिले, ये भी कार्य जो है निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये निर्देश प्रमुख सचिव की चिकित्सा की तरफ से दिया गया है कि इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसी चीज़ों को अवश्य फील्ड में उपलब्ध कराएं जिससे कि जो भी व्यक्ति हैं उनको इस चीज़ का जो है इस इंस्ट्रूमेंट्स का उपलब्धता के अनुसार उपयोग करके पहले ही सर्वेलेंस करके कहीं किसी को दिक्कत है ये जानकारी प्राप्त हो सके और फिर उनका इलाज किया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने जनपद में तैनात स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों को कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि कहीं भी संक्रमण की अगर चेन है तो उसके लिए जो है पूरी सावधानी बरती जाए, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको प्रॉपरली देखा जाए और ये भी कहा है कि किसी भी रूप में किसी की भी जो है उपचार अच्छे से अच्छा हो और किसी की भी जान जानी नहीं चाहिए। कोशिश हमारी हर भरसक प्रयास होना चाहिए कि हम हर व्यक्ति का जो भी बीमार हो उसको जो है स्वस्थ करके भेजें और किसी भी रूप में किसी की जो है मृत्यु ना होने पाए। उन्होंने विशेष रूप से गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद और बुलंदशहर पर ध्यान देने के लिए कहा है। टेस्टिंग क्षमता में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है, इस पर भी उन्होंने कहा है कि इसको और आगे बढ़ाकर 15,000 से लेकर 20,000 तक किया जाए और विशेष रूप से पूल टेस्टिंग पर भी उन्होंने बल दिया है जिससे जो भी बाहर से लोग आए हैं उनकी पूल टेस्टिंग की जाए। मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए उनकी तारीफ की और ये कहा कि जो परिवहन निगम है वो बहुत उसने मेहनत से, परिवहन निगम के सभी अधिकारियों ने, परिवहन निगम के एक एक बस ड्राइवर और चालक ने, परिवहन निगम के हर व्यक्ति ने, इनके सफाई से भी जुड़े हुए लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। परिवहन निगम ने इस पूरे अभियान में जो
अप्रैल और मई का अभियान है, मार्च से शुरू होकर अलग अलग ओकेशंस पर जो है परिवहन निगम ने विशेष काम किया है, डिसइंफेक्टेशन करा के, बसेस का डिसइंफेक्शन करा के, बस स्टेशंस का डिसइंफेक्शन करा के भारी मात्रा में पूरे देश में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने सबसे अधिक कामगारों और श्रमिकों को जो है ट्रांसपोर्ट किया है। और हमें बताकर खुशी है कि लगभग 31 लाख से अधिक लोगों को जो ट्रेन से आए उनको घर पहुंचाया, जो बॉर्डर से आए उनको घर पहुंचाया, जो एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले थे उनको घर पहुंचाया, हर व्यक्ति को घर पहुंचाने वाला हमारा अपना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम था। और इस कार्य की समीक्षा आज मुख्यमंत्री जी ने जब की तो इनका जो है भरपूर उनको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को और उनके सभी अधिकारी और कर्मचारियों को, ड्राइवर्स को और उनके परिचालकों की बधाई दी। मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी ली कि अब परिवहन निगम के कार्यों को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। आपको मालूम है कि परिवहन निगम के पास लगभग 9 से 10 हज़ार अपनी बसें हैं और लगभग 2 हज़ार अपनी अनुबंधित बसें हैं और कुल मिलाकर लगभग 12 हज़ार बसें परिवहन निगम के अधीन हैं, 60 हज़ार कर्मचारी हैं। 24 मार्च से शुरू होकर जो इनके काम किए हैं उस काम को देखते हुए निश्चय ही परिवहन निगम आगे कैसे काम करेगा, इस ओर विशेष रूप से उन्होंने आज ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो यह पाया कि पिछले 3 दिन में परिवहन निगम ने जो कार्य किया है उसका विवरण इस प्रकार है। पहले दिन जब परिवहन निगम ने बसें अपनी चलाई हैं, 1 जून से जब इसको क्वारंटाइन का अनलॉक फेज का फर्स्ट फेज शुरू हुआ है, तो प्रथम दिन 2200 बसें चलाई थी, द्वितीय दिन 3100 बसें चलाई थी और तृतीय दिन जो है 3700 बसें चलाई हैं। पहले दिन जब 2200 बसें चलाई तो 52,000 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले गए। दूसरे दिन जब 3100 बसें चलाई हैं तो 68,000 यात्रियों को ले गए। और ये बताकर खुशी है कि तीसरे ही दिन 1,10,000 से अधिक लोगों को 3700 बसों से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा गया है। जो परिवहन निगम का कार्य है वो इस ओर भी महत्वपूर्ण है कि जो हमारे बॉर्डर के राज्य हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़, सभी के फंसे हुए लोगों को लाने और ले जाने का कार्य किया है। लोगों को जानकारी नहीं है लेकिन नवोदय विद्यालय के बहुत सारे छात्र अपने प्रदेश में अन्य प्रदेशों के आए हुए थे, उनको भी परिवहन निगम ने अपने गृह प्रदेश भेजने में व्यवस्था की। महाराष्ट्र और गुजरात से बच्चे हमारे अपने अपने प्रदेश में, शाहजहाँपुर में, श्रावस्ती में, अन्य जनपदों में अपने नवोदय विद्यालय में आए हुए थे। छात्रों के लिए विशेष रूप से कोटा के छात्रों के लिए बसों ने व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जो प्रयागराज के बच्चे थे उनकी व्यवस्था की, अलीगढ़ से जो बच्चे थे उनकी व्यवस्था की, कानपुर से जो बच्चे थे उनकी व्यवस्था की। हर ओर जहाँ भी छात्रों को आवश्यकता पड़ी परिवहन निगम ने अपना कार्य किया है। जनसेवा की भावना से जो ये प्रशंसनीय कार्य हुआ है इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि बस स्टेशनों को प्रत्येक 6 घंटे में सैनिटाइज किया जा रहा है, कार्यालयों में जो है विशेष रूप से काम किया जा रहा है, बसों के नियमित सैनिटाइजेशन, चालकों और परिचालकों के ग्लव्स, मास्क पहनकर ड्यूटी करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और बस स्टेशन पर यात्रा के दौरान हैंड सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था राज्य परिवहन निगम खुद अपने खर्चे पर कर रहा है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि लखनऊ क्षेत्र, सहारनपुर क्षेत्र, गाज़ियाबाद क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र, झांसी क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, वाराणसी क्षेत्र, आजमगढ़ और प्रयागराज क्षेत्र का योगदान विशेष रूप से अच्छा रहा है। राकेश कुमार सिंह हमारे यहाँ यातायात अधीक्षक हैं मुख्यालय में, इन्होंने मार्ग पर अनवरत मौजूद रहकर पैदल चल रहे हजार हजार श्रमिकों को जो है देख रेख में अपनी बसों पर बैठाया है और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार जम्मू से
साइकिल से लखनऊ आए बिहार के 22 प्रवासियों को श्री कमलाकर यातायात अधीक्षक द्वारा बस में बैठाकर उनको बिहार रवाना करने की कार्रवाई की गई है। तो बहुत उल्लेखनीय कार्य, कई लोगों ने अच्छा कार्य किया है, विशेष रूप से जो है परिवहन विभाग, उनके अपने माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, अपने प्रमुख सचिव के मार्गदर्शन में और विशेष रूप से उनके MD जो है उनके मार्गदर्शन में अच्छा कार्य हुआ है। आज हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा ट्रेनों का आवागमन है, अब तक कुल 1617 ट्रेनें हमारे यहाँ आ चुकी हैं। आज जो है 5 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आएंगी, केरल से आएगी, चंडीगढ़ से आएगी, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल से और कर्नाटक से हमारी 5 ट्रेनें आने वाली हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि अब दक्षिण से दूरस्थ, सबसे दूरस्थ स्थान से भी हम अपने श्रमिकों और कामगारों को अपने घर लाने में सफल हुए हैं। केरल ने जितने ही राज्य ने जितनी ट्रेन्स मांगी, उत्तर प्रदेश राज्य तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कोरोना संकट शुरू होने के बाद से, वो अभी भी जारी है। अपनी बात समाप्त की है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने और इस वक्त ACS होम अवनीश अवस्थी अपनी बात रख रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं सभी लोगों को। और हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।